मंगलवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपनी 21 दिन की भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी। वांगचुक ने 6 मार्च को 21 दिनों के लिए जलवायु उपवास शुरू किया था। मंगलवार को अपनी भूख हड़ताल खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि ये विरोध का अंत नहीं है, ये भूख हड़ताल के पहले चरण का अंत है, लेकिन ये विरोध का अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। नया चरण आज यानी 27 मार्च से शुरू होगा। वांगचुक ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के 21 दिन के दौरान 350 लोग 10 डिग्री सेल्सियस में सोए, यहाँ यानी लद्दाख में दिन में 5000 लोग सोए, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से एक शब्द भी नहीं बोला गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर सोनम वांगचुक है कौन। वांगचुक लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता, मैकेनिकल इंजीनियर और शिक्षक है। वह हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख के निर्देशक भी हैं। उन्हें साल 2018 में मैग्सेसे अवार्ड मिला था। ये वांगचुक वही व्यक्ति हैं जिसने 2009 की फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान के किरदार फुनसुक वांगडू को प्रेरित किया था। वांगचुक ने 21 दिन की भूख हड़ताल शुरू करते हुए जलवायु से जुड़ी चुनौतियां उठाई थी। उन्होंने 6 मार्च को कहा था कि आज हमारा ग्रह बड़ी चुनौतियां जैसे कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से गुजर रहा है, और ये चुनौती हिमालय से अधिक, तिब्बती पठार से अधिक कहीं और नहीं देखी जा सकती। सोनम वांगचुक की मांग है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले और साथ ही इसे 6th शेड्यूल में भी शामिल किया जाए। वह लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीटों की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि लद्दाख में विशेष भूमि और स्थानीय लोगों को नौकरी का भी अधिकार मिले। अगर आप इसके बारे में इन डिटेल जानना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। सोमवार यानी 25 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान लद्दाख के लिए जारी किए गए बीजेपी के घोषणा पत्र की तस्वीर भी शेयर की। इसमें उन्होंने 6th शेड्यूल के वादों को अंडरलाइन करते हुए दिखाया। उन्होंने लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस 2020 के बीजेपी के घोषणा पत्र को भी दिखाया, जिसमें 6th शेड्यूल का वादा दिख रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।